वीडियो नंबर टू कॉम्बिनेशन, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना, खासकर एटलीस्ट वाला, एटमोस्ट वाला और परमोटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्स। इसके अलावा इसके अंदर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्राज हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, जो परमोटेशन के हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमोटेशन का एडवांस लेवल आ गया और ये परमोटेशन से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और परमोटेशन का मतलब होता था अरेंजमेंट। ठीक है, अब सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या फर्क होता है देख लो। मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास n नंबर ऑफ पीपल हैं, लेकिन मुझे उसमें से r नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड हैं, तो यहां पे टोटल में से कितने सेलेक्ट होने हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा मुझे मेरे पास 10 लोग हैं और 10 वैसे मैं सिर्फ दो लोगों को सेलेक्ट करना चाहता हूं फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन, तो यहां पर सिलेक्शन होगा इन 10 लोगों में से किसी दो लोगों का, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि मैं ए बी बोलूं या मैं बी ए बोलूं, ये दोनों एक बात है, ए बी और बी ए को एक माना जाएगा, लेकिन परमोटेशन में ए बी और बी ए को अलग अलग माना जाता था, क्योंकि वहां अरेंजमेंट होता था, वहां ए बी अलग होता था और बी ए अलग होता था, ऑर्डर का फर्क पड़ता था, बट ये अनऑर्डर्ड है। यहां पे ए बी बी ए एक ही मतलब है, इसका मतलब है कि दो बंदे सेलेक्ट हुए हैं ए बी, अब पहले ए हुआ हो बी हुआ हो या बी हुआ हो ए हो, बात एक है, तो ये अनऑर्डर्ड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नोटेशन होती है इसकी एनसीआर, एनसीआर या फिर सी और ब्रैकेट में एन आर। एन यहां पर टोटल नंबर्स हैं या टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, आर यहां पर रिक्वायर्ड नंबर हैं। ठीक है, अगेन एन बड़ा होगा या इक्वल होगा आर के, लेकिन आर कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये बात ध्यान रखना। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखो इतना फॉर्मूला तो वही है जो परमोटेशन का था, बस यहां पे आर फैक्टोरियल और लग जाता है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार देख लो एनसीआर का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस। ओके, अब एक बात यहां पे देखो, अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि सर परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे परमोटेशन इज ग्रेटर देन कॉम्बिनेशन। रीजन रीजन ये कि परमोटेशन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसका होता है एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो देखो कौन सा नंबर बड़ा है, जो यहां पर है वो यहां पर है सारे, लेकिन यहां पे आर डिवाइड में एक्स्ट्रा है, और आपको मालूम है डिवाइड में जितना बड़ा नंबर होगा एक्चुअली वो नंबर छोटा हो जाएगा। रीजन, क्योंकि आर से भी डिवाइड होगा और डिवाइड जितना ज्यादा होता है नंबर छोटा होता चला जाता है। तो क्लियर कट बात है कि परमोटेशन बड़ा होता है कॉम्बिनेशन से। अगर कोई पूछे रीजन बताओ, तो रीजन आपने एक तो ये बताया, दूसरा रीजन आप बता सकते हो कि परमोटेशन जो है वो ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड मतलब वहां पे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों को अलग अलग माना जाता है, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। और कॉम्बिनेशन अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब कि ए बी बोलो या बी ए बोलो, इन दोनों को दो काउंट ना करके ओनली वन काउंट किया जाएगा, इसलिए ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो परमोटेशन के अंदर अरेंजमेंट होती है और इसके अंदर सिलेक्शन होता है। कैसे होता है, न्यूमेरिकल आएगा, अपने आप पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस आर लग गया एक्स्ट्रा। आगे देखिए कुछ शॉर्टकट है, अगर एन सी जीरो आए तो डायरेक्ट वन लिख दो। ठीक है, क्यों लिख दो इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर एन सी वन आए तो डायरेक्ट एन लिख दो, एन सी एन आए तो वन, एन सी एन माइनस वन। नोटिस वाली बात कि यहां जस्ट एक नंबर कम है, अगर यहां 10 तो यहां 9, अगर यहां 20 तो यहां 19, अगर यहां 12 तो यहां 11, तो इसका आंसर एन आएगा। ये शॉर्टकट अगर याद रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये रहे, जैसे देखो 10C0, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ये ट्रिक्स याद है, तो इसका आंसर आएगा हमारा कितना, 1, 10C1, 10 आंसर आएगा, 10C10, दोनों सेम है 1 आंसर आएगा, 10C9, 10 आंसर आएगा। तो जितना याद रखोगे उतना बेनिफिट होगा। अगर मान लो कोई शॉर्टकट के ब्रैकेट में फिट नहीं होता है, सपोज करो ये है 5C3, अब देखो NCR, ये इनमें फिट नहीं होता, अगर ये ऐसे होता 5C1 तो ये इसके अंदर फिट हो जाता, देखो NC1, तो इसका आंसर मुझे डायरेक्ट मालूम है आएगा 5। ठीक है, लेकिन अगर कोई अननोन चीज आ गए जिसके अंदर ये शॉर्टकट फिट ना हो पाए, तो फॉर्मूला आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, लगाओ
ये क्या है n और ये क्या है r, लगाना जरा, n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में n और r का डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस 2, और ब्रैकेट के बाहर 2 फैक्टोरियल, ओपन करो इसे, 5 4 3 पे लगा दो ब्रेक, ये कितना है 3, ये कितना है 2, 2 को खोलूंगा 2 इंटू 1, 3 से 3 हो गया कट, 2 से ये, तो आंसर आ गया मेरा 10, ठीक है। तो यहां शॉर्टकट लगे वहां शॉर्टकट लगा दो, और जहां शॉर्टकट ना लगे वहां आपके पास ये फॉर्मूला है, ऑलराइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जितना याद रखोगे उतना बेनिफिट रहेगा। आगे देखो कुछ आइडेंटिटीज इसके अंदर होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, 3 आइडेंटिटीज हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो N की वैल्यू A प्लस B हो जाएगी, ये आप याद रखना। एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं कि NC8 इज इक्वल टू NC2 है, सपोज करो इसका आंसर इसके बराबर है, तो आप बोलोगे N इज इक्वल टू यहां पर 10 होगा, इन दोनों का सम N होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, बहुत काम आता है न्यूमेरिकल, याद रखना। आगे देखो NCR को लिखा जा सकता है, NCR को लिख सकते हैं NCN-R, देखो मैंने NCN-R लिखा हुआ है, ठीक है, तो NCR इज इक्वल टू NCN-R। अब इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, मैंने कहा कि NC8 है, अगर मैं इसे ऐसे करके लिख दूं NCN-8 तो गलत नहीं है, ये दोनों एक ही बात है बाय दिस। या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि 10C2 है और अगले स्टेप में मैं इसे लिख दूं 10C8, मतलब ऊपर जो है वो तो वही रहेगा, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, तो इसका रिजल्ट सेम आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। ट्रस्ट ना हो तो इसे खोल के देखना, इसे खोल के देखना, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो ये वाली बात है। अगला है ये रूल, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR, ठीक है, ध्यान रखना इसको। NCR यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा लिखा है 5C2 प्लस और यहां लिखा है 5C1, तो इसको मैं बोल सकता हूं 6C2, इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस, ये कॉम्पिटिशन में बहुत काम आते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, और हाँ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, ये मुझे अभी प्रूफ करके दिखाना है बाय यूजिंग दीज ऑल, तो ये आपको याद रखनी है। नाउ न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप ये सब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, वी नीड टू प्रूव इट। तो देखिए इसका प्रूफ बहुत ईजी है, आपको मालूम है NC0 इज इक्वल टू 1 होता है। नाउ ओपन इट, n फैक्टोरियल फॉर्मूला अपना, ये n है और ये r है, यहां क्या आएगा r फैक्टोरियल दैट इज 0, और यहां क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस N-0 यानी n फैक्टोरियल, ठीक है। अरे NCR का फॉर्मूला लगा दिया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो गया, ठीक है, चलो जी लगा दिया, नो इशू, इज इक्वल टू कितना है 1, ओके। देखो इस चीज से ये चीज पूरी पूरी हो गई कैंसिल, या 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें होगी तो कितना आएगा 0 का 0 ही रहेगा और 1 की होगी 1, देखो जी प्रूफ हो गया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो बहुत छोटा है, प्राइवेट स्कूल के अंदर 1 मार्क्स में इसमें पूछ लेते हैं, ये आपको याद होना चाहिए कंडीशन। आगे देखिए एक और, इसने कहा NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। तो भाई ये तो जब ही निकाल पाऊंगा जब n पता हो, n तो मुझे मालूम ही नहीं है, लेकिन अभी अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखो NC8 इज इक्वल टू NC2 है, यानी NCA इज इक्वल टू NCB अगर होगा तो हेयर, तो मैं कह सकता हूं n इज इक्वल टू 8+2 यानी n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहां पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि NCA इज इक्वल टू NCB, तो n इज इक्वल टू A+B माना जाएगा, राइट, n आ गया, n आते ही हमसे पूछा गया है NC2 बताओ, तो n कितना है जी, n तो आपका 10 है, 10C2, शॉर्टकट कोई अप्लाई नहीं हो सकता तो उसको खोलना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले से, n कितना है 10 फैक्टोरियल, r कितना है 2 फैक्टोरियल, और यहां इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है, हमेशा बड़े वाले को खोलते हैं, तो 10 9 8 पर ब्रेक लगा दो, इसे खोलो 2 को, 2 1 8 ऐसी रहने दो, 8 से 8 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, और 45 इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छे से गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने, इसने कहा है n बताओ, और दोनों क्वेश्चन रेशियो में, ये आपको करना है खुद, आंसर ये आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर रेशियो में है तो रेशियो को हटाया जाएगा, 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, रेशियो का मतलब अपॉन, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2NC3 इज इक्वल टू 12 और NC3, नाउ ओपन इट, ये पूरा n है ब्रैकेट के साथ और ये r है,
तो पहले आएगा एन फैक्टोरियल, यहां आएगा आर फैक्टोरियल, यहां आएगा दोनों का डिफरेंस, यानी ऐसे करके। यहां एन का रोल 2n प्ले कर रहा है, 12 वैसे रहेगा, इसे अंदर ही अंदर खोलो, एन फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे कैसे। ठीक है जी, देखो अब आगे क्या होगा, देखो 3 से ये 3 हो गया कैंसिल। बहुत से बच्चे यहां पे n से इस n को काट देते हैं और 2 बचा देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये 2n अपने आप में पूरा एक नंबर है, तो ऐसे n से n नहीं कटेगा। नाउ ओपन इट, देखो ये 2n है, नीचे 2n माइनस 3 है, तो ऊपर वाले को खोलो इसके बराबर, ठीक है, बड़े वाले को खोलते हैं, तो ऊपर वाला खोलेगा 2n, अगला स्टेप आएगा 2n माइनस 1, अगला स्टेप आएगा 2n माइनस 2, अगला स्टेप आएगा 2n माइनस 3, और ब्रेक लगा दो। रीजन, क्योंकि नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अवेलेबल है, इज इक्वल टू ये कितना है 12, रहने दो। ऊपर देखो n है और नीचे n माइनस 3 है, तो ऊपर वाले को खोलो, n हमेशा बड़े को खोलते हैं, ठीक है, और जब तक खोलते हैं जब तक छोटे की झलक ना दिख जाए, तो नीचे क्या है n माइनस 3, आराम से, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया पूरा पूरा, ठीक है। ये कितना है 2n, नो प्रॉब्लम, ये कितना है 2n माइनस 1, नो इश्यू, ये कितना है n माइनस 1 और इंटू 2 करके बोल रहा हूं मैं इसे, मतलब मैंने इसमें से ना 2 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों के अंदर था, ठीक है, इज इक्वल टू 12, ये n है, ये n माइनस 1 है, ये n माइनस 2 है, देखो n माइनस 2 से, सॉरी n माइनस 1 से, n माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा जैसा है, बट देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट हो गया, 2 से ये कट हो गया 6, इस n से ये n कट हो गया। अब ये अकेला, अब ये नंबर ऐसा नहीं है, देखो 2n फैक्टोरियल और 2n अगर फैक्टोरियल नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीपल में, इसका मतलब ये कंबाइंड नंबर है, फैक्टोरियल अलग अलग नहीं हो सकता। तो अब जैसे ये 2n हो गया है तो अब ये 2 और n अलग अलग कट सकते हैं, तो इस n से ये n हो गया कट, ये 2 बचा, 2 से ये 6 कट हो गया 3, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास यहां बचा हुआ है 2n माइनस 1, ठीक है जी, और कुछ नहीं बचा हुआ, उधर बचा हुआ है मेरे पास 3, ऑल राइट, और मेरे पास बचा हुआ है n माइनस 2, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 2n माइनस 1, 3n माइनस 6, n वाले एक तरफ ले आओ और नंबर नंबर एक तरफ कर दो, यहां हो गया माइनस n, यहां हो गया माइनस 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये 5 है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये खुद दूसरा वाला अपने आप सॉल्व करना। ये वाली आइडेंटिटी अभी हमने देखी थी, तो कभी कभी इसका प्रूफ एग्जाम के अंदर आ जाता है कुछ स्कूलों में, तो जरा देख लेते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। विल टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, एनसीआर को जरा खोल दो, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और यहां एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस इसे भी खोल दो, एन फैक्टोरियल, आर, आर यहां पे ये पूरा है, ब्रैकेट में रखना, आर माइनस वन फैक्टोरियल और यहां क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी एन माइनस के आगे ये आएगा तो माइनस आर प्लस वन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऊपर देखो एन फैक्टोरियल कॉमन है, ठीक है, या फिर अभी ऐसी रखो, देखो एन तो सेम है, यहां पे आर माइनस वन है और ये आर है, मतलब ये नंबर बड़ा है, ठीक है, बड़े को खोलते हैं, ये एन माइनस आर प्लस वन है, ये एन माइनस आर है, मतलब ये नंबर बड़ा है, तो इसे खोलो इसके बराबर तक और इसे खोलो इसके बराबर तक, ठीक है, हमेशा बड़े नंबर को खोलते हैं क्योंकि वो खुल के छोटा हो जाता है, खोलो आर, अगला स्टेप आर माइनस वन, ब्रेक लगा दो, एन माइनस आर को ऐसी रहने दो, ठीक है, इसे भी खोलो, ये ऐसी रखना, आर माइनस वन ऐसी रखो, चलो जी ओपन इट, ये आएगा एन माइनस आर प्लस वन, अगला स्टेप एन माइनस आर आएगा, क्यों, क्योंकि एक कम हो जाता है। अब देखो पूरे में एन फैक्टोरियल कॉमन है, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है और क्या है कॉमन, एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन है ना, तो यहां क्या बचा, वन अपॉन आर बचा और यहां क्या बचा, एन माइनस आर प्लस वन बचा, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लो, एन फैक्टोरियल, ये क्या है आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, यहां पे एलसीएम जाएगा तो एन माइनस आर प्लस वन और ये प्लस आर हो जाएगा, नीचे जैसे है वैसे के वैसे रख दो, मल्टीप्लाई मत करना, बस आपस में रख दो, आर से आर हो गया कैंसिल, ठीक है। आगे देखो यहां बचा एन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये कितना है एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, अंदर बचा जी एन प्लस वन, ओके, एक आर बचा, ओके, एक एन माइनस आर प्लस वन बचा, ओके, नो इश्यू, ठीक है। देखो इसको और इसको अगर मैं मिला लूं तो ऐसे बोल दू एन प्लस वन फैक्टोरियल, ध्यान से देखो, अगर एन प्लस वन को मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं इसे खोल के तुम्हें दिखाऊं तो पहला स्टेप आएगा एन प्लस वन, अगला स्टेप आएगा एन फैक्टोरियल, क्योंकि एक कम हो जाएगा, तो अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो ऐसे को भी तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो मैंने वो ही किया, ये एन प्लस वन और ये एन फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में तो ये है ही, ये आगे हो ये पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो ऊपर वाले दोनों चीजों को मैंने कर दिया कंबाइंड। ऐसे देखो, ये चीज और ये चीज अगर कंबाइंड हो जाए इन दोनों, तो ऐसे बोलते हो इसे आर फैक्टोरियल। रीजन, अगर मैं आर फैक्टोरियल को खोलूंगा तो ये आएगा आर, अगला आएगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो देखो दोनों बन रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूं सारी बातें। ऐसे देखो, इसको और इसको अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ऐसे बोल दूं इसे एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। रीजन, अगर मैं इसे खोलूंगा तो एन माइनस आर प्लस वन आएगा पहला स्टेप, अगला एन माइनस आर आएगा फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो अब देखो, मैं सारे को कलेक्टिवली करने वाला हूं। ऊपर वाले को मैं बोल सकता हूं एन प्लस वन का होल फैक्टोरियल, नीचे आर और आर के मिला के बोल सकता हूं आर फैक्टोरियल, ठीक है, आर फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। और इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूं एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। और इस पूरे को मैं बोल सकता हूं एन प्लस वन सी आर, उल्टा बोल दिया। देखो, अगर मैं इसे खोलूंगा एनसीआर के फॉर्मूले से तो यही तो आएगा। ध्यान से देखो, ये क्या है, एन, इसका फैक्टोरियल ये रहा, नीचे क्या आता है आर, तो आर है, और यहां क्या आता है इन दोनों का डिफरेंस, तो एन प्लस वन माइनस आर, तो एन प्लस वन माइनस आर। देखो, एन प्लस वन वो रहा और माइनस आर, बिल्कुल सेम है। इस तरह से राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, प्राइवेट स्कूल के अंदर ज्यादा आता है ये, और कॉम्पिटिशन के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है गाइस, स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ो। इसने कहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन सर्कल। मतलब हमारे पास कोई सर्कल होगा इस टाइप से, इसके ऊपर 21 पॉइंट है लाइक दिस, ठीक है। ये सारे पॉइंट अगर आप काउंट करोगे तो दे विल बी 21, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है 21, और मुझे बनानी है कॉर्ड्स। तो देखो, एन हो गया यहां पे 21, ओके। लेकिन आपको मालूम है, कोई भी कॉर्ड बनाने के लिए आपको मिनिमम दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। देखो, जैसे ये कोई मेरा हुआ है पॉइंट, इसको मैं इसे ऐड करूंगा, कॉर्ड बन जाएगा। ये भी देखो, एक बन गई कॉर्ड, ये भी क्या है कॉर्ड, ये भी क्या है कॉर्ड। तो मतलब जो आर है, जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, टू, मतलब 21 में से टू पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो यहां पर क्या है, सिलेक्शन, अरेंजमेंट थोड़ी हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है कि 21 में से कोई से भी टू पॉइंट सेलेक्ट कर लो, कॉर्ड बन के आ जाएगी। तो ये कह रहा है कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, तो आपको यहां लिखना है टोटल कॉर्ड्स। टोटल कॉर्ड्स का फॉर्मूला एन सी आर, यानी 21 सी टू। इसको आप ओपन करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो आप खुद आंसर लेके आना, ठीक है जी। ये 21 लिखा हुआ है, ओके, एन टोटल और आर मतलब रिक्वायर्ड। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स। तो पहले आप यहां देखो कि टोटल पर्सन है कितने आपके पास। टोटल बॉयज हमारे पास हैं जी, कितने बॉयज हमारे पास हैं, कुछ गर्ल्स हमारे पास हैं। बॉयज हमारे पास हैं फाइव और गर्ल्स हैं फोर। फाइव बॉयज हैं, फोर गर्ल्स हैं। इसमें से मुझे रिक्वायर्ड बॉयज मुझे चाहिए तीन। इसमें से मुझे रिक्वायर्ड कितने चाहिए, तीन, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि टीम बनानी है थ्री बॉयज और थ्री गर्ल्स की, ओके। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन है। रीजन, पांच बॉयज में से कोई से भी तीन बॉयज सेलेक्ट करने हैं। यहां पर देखो, फोर बॉयज में से कोई से भी थ्री गर्ल्स, सॉरी, फोर गर्ल्स में से कोई सी भी थ्री गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो आप यहां पर लिख सकते हो, लाइन खींच देता हूं, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग टीम, यानी टीम को सेलेक्ट करने के वेज कितने आएंगे। तो देखो जी, इतने आएंगे, फाइव में से कोई से भी तीन बॉयज आ जाओ, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, और का मतलब प्लस और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये हमने एफपीसी में सीखा था, अगर आपको याद हो तो। पांच में से तीन बॉयज आ चुके हैं, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और फोर में से तीन गर्ल्स आएंगी। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा सीवाईएस है। सीवाईएस मतलब कंप्लीट यूर सेल्फ, अपने आप कैलकुलेशन कर लो। ये एन है, ये सी है, ये आर है, फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन। इसमें लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नाइन बॉल्स। अच्छा, नाइन बॉल्स सेलेक्ट करनी है, क्लियर कट लिखा है सेलेक्टिंग, खास क्वेश्चन को देखते पता चल रहा है क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। फ्रॉम सिक्स रेड बॉल, फाइव व्हाइट बॉल और फाइव ब्लू बॉल, इफ ईच सेलेक्शन कंसिस्ट थ्री बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो पहले देखो, हमारे पास कोई बैग टाइप का है, उस बैग के अंदर तीन तरह की बॉल है, कुछ तो रेड है, ठीक है जी, कुछ व्हाइट है और जी कुछ आपकी ब्लू है। ऑल राइट, रेड बॉल हमारे पास कितनी है, सिक्स, ये कितनी है, फाइव, और ये भी कितनी है, फाइव।
इसमें से हमें 9 बॉल्स निकालनी है, लेकिन कंडीशन दे दी कि हर एक कलर की 3 बॉल निकलेंगी, तो रेड भी 3 आई होंगी। अब 6 रेड है, 6 में से कोई सी भी 3 आ सकती है, एनी 3। अब ओके, व्हाइट है इसमें से भी 3 आई है, और ब्लू है इसमें से भी 3 आई है, तो देखो टोटल बॉल 9 हो गई। तो कह रहा है कितने वेज, कितने मेथड है, तो यहां लिख दो टोटल वेज, टोटल वेज तो इज इक्वल टू 6C3। इसका मतलब 6 में से कोई सी भी रेड आ गई, एंड एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 5C3 एंड 5C3 सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, खुद करना है CYS। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों के अंदर सिलेक्शन हो रहा था, ये ध्यान रखना, एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब प्लस। देखो अगर मैं इसे ऐसे करके बोलूंगा 6C3 और मतलब आइदर और, तो इसका मतलब हो जाएगा या तो 3 रेड है या फिर 3 व्हाइट है या फिर 3 ब्लू है, लेकिन या थोड़ी है, या तो एंड है कि यस 3 रेड है, 3 व्हाइट है, 3 ब्लू है, एंड कंपल्शन, तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड। अच्छा, 5 कार्ड निकाल लें कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई हर बच्चे को मालूम है कि टोटल कार्ड 52 होते हैं, ठीक है, एक डेक के अंदर। हालांकि अगर हम जोकर को मिलाएंगे तो 53 या 54 भी हो सकते हैं, बट जोकर की बात नहीं होती, जेन्युइन कार्ड्स की बात हो रही है, दैट इज 52। ऑलराइट, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, एस माने इक्का, 1 जिसपे 1 लिखा होता है, इन ईच कॉम्बिनेशन मतलब 52 में से मुझे 5 कार्ड्स निकालने हैं और 5 में से मुझे एस चाहिए, एस, एस एक होता है, ठीक है, और जो 4 कार्ड है वो अदर है, अदर मतलब कोई से भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, तो 52 कार्ड्स हैं, मुझे निकालने हैं 5, 5 में से एक इक्का होना चाहिए और 4 कोई भी अदर हो। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा डायग्राम, भाई 52 कार्ड्स हैं, बात हो रही है यहां पे एस की और बात हो रही है यहां पे अदर की, तो एस तो टोटल 4 होते हैं लेकिन मुझे एक चाहिए, है ना, कोई से भी 4, लेकिन आई नीड ओनली 1, तो देखो सिलेक्शन आ गया, है ना, एनी वन, कोई भी आ सकता है 4 में से, तो मुझे नहीं पता, तो ये सिलेक्शन हो गया। अदर का मतलब 48 अदर हो गए, फिर भाई टोटल 52 तो 48 हो गए अदर, इसमें से कोई से भी 4 मिल जाए, तो देखो यहां भी सिलेक्शन हो गया। तो इसने पूछा है टोटल वेज बता दो, तो टोटल वेज देखो ऐसे निकलेगा, 4 है ना ये, 4 में से कोई सा भी एक आ जाए, एंड एंड क्यों, क्योंकि एक कार्ड निकला है अभी, केस कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा कंपल्शन, एक एस एंड 4 अदर, तो 48 में से 4 अदर आ जाओ, सॉल्व करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट CYS, कंप्लीट योर सेल्फ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और होता है, कभी कभी वो लिख देता है कि 52 में से 5 कार्ड निकाले और उन 5 कार्ड में एक किंग होना चाहिए, तो एस की जगह किंग आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। अच्छा, मतलब 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है, 17 टोटल प्लेयर हैं और इसमें से 11 प्लेयर वी नीड टू सेलेक्ट फॉर अ क्रिकेट टीम, ओके, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, यानी 17 प्लेयर्स में बॉलर कितने अवेलेबल हैं। क्वेश्चन ने कह रखा है 5 बॉलर हैं, 5 अगर बॉलर हैं तो अदर, अदर मतलब बैट्समैन, कीपर, वो हो गए कितने, 12, क्योंकि 5 और 12 17 होते हैं, तो क्वेश्चन ने खुद सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब बोल रहा है इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, कह रहा है कोई सी भी क्रिकेट टीम आप बनाओगे 11 प्लेयर्स की, उसके अंदर 4 बॉलर होना जरूरी है, तो इस बात को बोलते हैं ट्री बनाना। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आप ट्री बनाया करो, जिस तरह से मैंने बनाया ट्री, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 4 बॉलर होना जरूरी है, तो 5 में से कोई से भी 4 बॉलर हमने ले लिए, तो कंप्लीट यहां पर क्या है, सिलेक्शन, 4 बंदे तो मुझे लेना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 11 बंदों की टीम है, 4 में ले चुका, इसका मतलब इस 12 में से 7 बंदे और ले लो, ठीक है, देखो 7 और 4 11 हो गए, 12 में से 7 बंदे कौन से लेने, ये तो सिलेक्शन है, तो इसका मतलब टोटल वेज, टोटल तरीका, तो आएगा 5C4 इंटू 12C7, सॉल्व होगा तो आंसर आ जाएगा, तो ये आपको खुद करनी है कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम है, तो आई थिंक ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं यहां पर हम, अगला लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। ठीक है जी, एक बैग बना लो पहले, ओके, इसके अंदर ब्लैक बॉल है और इसके अंदर रेड बॉल है, ऑलराइट, 5 ब्लैक है और 6 रेड है, ठीक है,
ठीक है जी, लिख दिया। कह रहा है डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच टू ब्लैक एंड थ्री रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड, यानी ब्लैक बॉल मुझे दो लेनी है और रेड बॉल मुझे तीन लेनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कंप्लीट यहां पर क्या है, सिलेक्शन। तो टोटल वेज बताने हैं, वेज मतलब तरीका कि कितने तरीके से ये पॉसिबल है। तो पांच में से कोई से भी दो इंटू छह में से कोई से भी तीन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सी वाई एस मतलब खुद करना है, ठीक है। कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, बस लॉजिक बता चुका हूं। हर क्वेश्चन में ट्री बनाता हूं, देखो मैं ट्री बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, यहां पूरा लिख देना टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग बॉल्स, ठीक है, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग टीम पूरा लिखना आप। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ फाइव कोर्सेस इफ नाइन कोर्सेस आर अवेलेबल, यानी जो कोर्सेस है हमारे पास वो कितने हैं, टोटल नाइन है, ठीक है जी, नाइन कोर्सेस हैं और बच्चे को पांच कोर्स लेने हैं। आगे पढ़ते हैं पहले, एंड टू स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी, यानी इस नाइन में से ना कंपलसरी कोर्स हैं। जैसे आप साइंस लेते हो तब भी आपको इंग्लिश लेनी पड़ती है, आप कॉमर्स लेते हो तब भी आपको इंग्लिश लेनी पड़ती है, ठीक है, तो कंपलसरी। तो कंपलसरी जो कोर्सेज हैं वो दो हैं, कोर्स माने यहां पर सब्जेक्ट से है। तो बचे यहां पे कितने, सेवन, नाइन में से दो आ गए तो बचे कितने, सेवन। ये हो गए ऑप्शनल, कि भाई सेवन कोर्सेज के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, कोई से भी तीन ले लो, होता है ना जैसे एडिशनल जो हम लेते हैं, तो इस टाइप से यहां पर है। नाइन कोर्सेज है, नाइन में से दो कंपलसरी लेने ही लेने, बचे कितने सेवन, सेवन में से कोई से और कितने और ले लो, थ्री और ले लो, क्योंकि थ्री और टू फाइव सब्जेक्ट हो जाएंगे, बच्चे को पांच लेने। तो यहां कह रहा है कितने पॉसिबल केसेस हैं, तो बना लो भाई पॉसिबल केसेस। तो टोटल वेज आप लिखना है, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग सब्जेक्ट। तो देखो ये तो कंपलसरी है, ये तो उसने ले ही लिया, तो इसकी बात नहीं होगी भाई, जो उसके पास आ गया, यहां कोई सिलेक्शन थोड़ी है, ये तो कंपल्शन है, ये तो खत्म हो गया, ये तो है ही, सिलेक्शन तो यहां हो रहा है ना खाली, सात में से तीन लेने हैं। तो भाई सात में मतलब यहां पर ये कितने, दो है ना, तो ये तो कंपल्शन है, तो दो कोर्सेज हैं, दो के दो ले लेगा वो, ठीक है। एंड यहां पर सात है, सात में से कोई से भी तीन ले लेगा, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है, सी वाई एस। तो कंपल्शन का मतलब समझ गए, दो कोर्सेज हैं, दोनों के दोनों ही लेने हैं, यहां पर सात है, सात में से कोई से भी तीन लेने हैं, सेलेक्ट सेलेक्शन होगा यहां पर। तो देखो ये था आपका कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन देखिए गाइस, आपके सामने लिखा हुआ है, पहले एक बात आप समझ लो कि जहां पर भी एंड आएगा उसका मतलब मल्टीप्लाई, जहां पर भी और आएगा इसका मतलब प्लस, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। अच्छा जी, अब देखो क्वेश्चन, इसने कहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फोर कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब हमारे पास जो कार्ड है वो टोटल 52 है और इसमें से मुझे फोर कार्ड्स निकालने हैं। कितने कार्ड्स निकालने हैं, फोर। कार्ड का बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है यहां पर, ठीक है। अब इसने कहा है कि इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीस, पहले तो इसने टोटल को पूछा है कितने वेज हैं, तो पहले तो आप टोटल वेज निकाल लो यहाँ, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग फोर कार्ड, 52 कार्ड है, सी फोर, मतलब 52 में से कोई से भी फोर आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं खोलूंगा तो मेरा आंसर आएगा 270725, ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाली बात का। अब देखो इसने फर्स्ट क्या पूछा है हमसे, ये तो एक पार्ट खत्म हो गया समझ लो, एक पार्ट नहीं मेन बात है। अब इसने कहा फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, अब यहां कार्ड के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, पहले मैं वो बता देता हूं। देखो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है, रेड के अंदर भी दो दो पार्ट होते हैं, 13 13 13 और 13, ठीक है, रेड के अंदर एक आपका, ब्लैक के अंदर एक आपका स्पेड होता है, स्पेड, ठीक है, और एक आपका क्लब होता है, इसके अंदर डायमंड होता है एक, और एक आपका हार्ट होता है, हार्ट, HEART, डायमंड की शेप कुछ ऐसी होती है, हार्ट की शेप ऐसी होती है, स्पेड की शेप कुछ इस टाइप से होती है, हार्ट बना के इसके ऊपर ये, और क्लब की शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर फिर एक किंग, एक किंग, एक किंग, एक किंग, सबके अंदर एक एक किंग होता है, क्वीन भी सबके अंदर एक एक होती है, जैक भी सबके अंदर एक एक, फेस कार्ड टोटल 12 हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 13 13 13 13 का जो पार्ट है ना, इसे बोलते हैं सूट, SUIT, ठीक है, ये चार सूट होते हैं, एक गड्डी में चार सूट, ओके, तो ये ध्यान रखना, तो ये बेसिक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट हो चुका है, मैं फर्स्ट पार्ट पे आ रहा हूं, ठीक है, आप इतना नोट कर लो और ये बात ध्यान रखना। ये जी फर्स्ट पार्ट, इसने कहा फोर कार्ड्स निकाले और वो सेम सूट के होने चाहिए, यानी चारों कार्ड सेम सूट के।
तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को यहां लिखूं तो इसका मतलब हो सकता है चारों स्पेड हो सकते हैं, है ना, या फिर और आ गया, और का मतलब प्लस, हो सकता है चारों क्लब हो, है ना, या फिर हो सकता है चारों डायमंड हो, है ना, या फिर हो सकता है चार के चार कार्ड हर्ट हो, ये हो सकता है। देखो मतलब इसने कहा है चारों पत्ते एक सूट से आने चाहिए, तो चारों सूट, चार सूट होते हैं और चारों पत्ते सेम होने चाहिए, तो या तो चारों स्पेड होंगे या चारों क्लब या चारों डायमंड या चारों हर्ट, या का मतलब प्लस है, ध्यान रखना या का मतलब क्या है, प्लस। तो स्पेड होते कितने हैं, स्पेड 13 होते हैं, तो 13 में से कोई से भी चार आ जाएंगे, या फिर क्लब 13 होते हैं, 13 में से चार, डायमंड भी 13, 13 में से चार, ये भी 13, 13 में से चार, इसको मैं बोल सकता हूं 4 times 13C4। रीजन, अरे प्लस हो रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जैसे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x होता है, ऐसे ही हो गया। और इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये सी है भाई कॉम्बिनेशन, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 2860 इज माई आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट जरा देखो एक बार, इसने क्या कहा है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है फोर कार्ड बिलोंग टू फोर डिफरेंट सूट। ओहो, कह रहा है चारों पत्ते अलग अलग डिफरेंट सूट के हैं। अब इसका मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि या तो चार स्पेड होंगे, है ना, चार स्पेड होंगे, तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता। इसने कहा चारों पत्ते डिफरेंट सूट के हैं, तो यहां पे और नहीं आएगा, देखो यहां ऐसे आएगा कि एक स्पेड आया है ना, एंड एक क्लब आया है, एंड एक डायमंड आया है, ठीक है, एंड एक हर्ट आया है। अब बात आती है सर एंड क्यों आया, भाई चार पत्ते चाहिए, जब तक केस कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो एंड ही आएगा ना, मतलब एक पत्ता आया एंड एक और आया एंड एक और आया एंड एक और आया, टोटल हाथ में चार आ गए, केस कंप्लीट हो गया। यहां क्यों आ रहा था बीच में प्लस, यहां पे चार पत्ते निकाल रहा था और चारों ही हाथ में आ रहे हैं हमारे, तो यहां एक बार में ही केस कंप्लीट है। यहां पे ऑप्शन है या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, बट यहां पर इसने कहा है चारों डिफरेंट सूट के हैं, तो चारों पत्तों में चार वैरायटी हो गई, तो बीच में एंड है। इसका मतलब होता है स्पीड कितने है, 13C1, इसका भी 13C1, इसका भी 13C1, और देखो शॉर्टकट NC1 है ना, तो इसका मतलब आ गया 13 raised to power 4, क्योंकि 13 raised to power 4, इतना छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आ रहा हूं मैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट जरा इसका देखते हैं। कह रहा है आर फेस कार्ड, आर फेस कार्ड मतलब चार पत्ते निकाले, चारों के चारों फेस कार्ड हैं, तो भाई फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 में से चारों आ जाएंगे, कोई से भी आएंगे। भाई फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, चार ये होते हैं, चार ये होते हैं, चार ये होते हैं, इसमें से कोई से भी चार आ सकते हैं, तो 12C4, ठीक है, ओपन होगा तो 495 विल बी माई आंसर। फोर्थ पार्ट, इसने कहा टू आर रेड एंड टू आर ब्लैक, एंड से जोड़ा हुआ है, एंड से, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब दो कार्ड रेड है, ठीक है, एंड आ गया, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और टू कार्ड कैसे हैं, ब्लैक है, तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 में से कोई से भी दो रेड आ जाएंगे, एंड ये ब्लैक कितने होते हैं, 26, कोई से भी दो आ जाएंगे, ठीक है, सॉल्व करूंगा तो 105625 विल बी माई आंसर। लास्ट पार्ट इसका रहता है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कार्ड आर ऑफ सेम कलर्स, कह रहा है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर्स, इसका मतलब हमने निकाले चार कार्ड, तो हो सकता है चारों रेड हो, है ना, सेम कलर, या फिर या का मतलब प्लस आ गया, हो सकता है चारों ब्लैक हो, ऑप्शन आ गए, देखो है ना, केस कंप्लीट हो रहा है, एक बार में जितने पत्ते निकाल रहा है एक बार में हाथ में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, इसलिए प्लस आया है, चार रेड तो 26C4, या फिर चार ब्लैक 26C4, ठीक है, सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 2900, दिस विल बी योर रिजल्ट। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा टाइम लगाना इस पर। क्वेश्चन देखिए जी, इसने लिखा है अ कमेटी ऑफ 3 persons इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, यानी हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर मैन है और उस ग्रुप के अंदर वीमेन है, ठीक है, वीमेन बहुत सारे हैं, यहां भी ई आएगा, मैन हमारे पास 2 है और वीमेन हमारे पास कितनी है, 3 है, और इसने कहा एक कमेटी बनानी है 3 persons की, यानी 3 लोग होंगे उसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कह रहा है कितने तरीके से हो सकता है, पहली बात तो इसने ये पूछ ली, ठीक है, टोटल वेज, तो पहला इसने पूछा टोटल कितने वेज हैं, तो टोटल वेज निकालते हैं, भाई टोटल लोग कितने हैं, 5 हैं, 5 में से कोई से भी 3 आ जाओ, कमेटी बनके तैयार हो जाएगी, सॉल्व करोगे तो 10 आंसर आएगा, 10 तरीके से हो सकता है, मतलब 10 पॉसिबल वेज आर देयर, ठीक है। अच्छा आगे देखो, इसके इसने एक बात और पूछी,
ये बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ वन मैन एंड टू वुमेन, ये आ गया अगला पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसे फर्स्ट पार्ट बोलूं तो मैं इसे सेकंड पार्ट बोल सकता हूं, एक क्वेश्चन में दो बातें पूछ ली। इसने कहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि कमेटी में एक मैन हो और टू वुमेन हो तो कितने तरीके से हो सकता है, तो मैन कितने हैं, दो, दो में से कोई एक मांग रहा है एंड मल्टीप्लाई आ गया, वीमेन कितनी है थ्री, थ्री में से कोई दो मांग रहा है। ठीक है, तो इफ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट योर आंसर दैट इज सिक्स, तो सिक्स पॉसिबल वेज आर देयर टू फुलफिल दिस कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक के अंदर दो दो पार्ट छुपा के पूछता है। गाइस नया कॉन्सेप्ट आता है, देखो क्वेश्चन के अंदर कभी कभी बोल देता है एट लीस्ट या मिनिमम या नॉट लेस देन, तो उसका मतलब होता है ये वाला साइन ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, और इसका मतलब है आपको ऊपर तक जाना है एन तक। अब इसका मतलब समझ लो, मान लो मैंने आपसे कहा कि यहां पर 10 टॉफीज रखी हैं, ठीक है, करते करते 10 टॉफीज रखी हैं 1 से लेके 10 तक, और मैं आपसे बोलता हूं कि भाई एटलीस्ट 2 टॉफीज उठा लो, एटलीस्ट 2, इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कम से कम 2 टॉफी उठा लो, इसका मतलब मैं आपको इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि भाई 2 तो आपको उठानी उठानी है, बाकी आप 3 भी उठा सकते हो, 4 भी, 5 भी, करते करते 10 भी उठा सकते हो, तो मतलब टॉप तक जाना है। तो एटलीस्ट का मतलब जितना बोला है उतना तो लेना ही लेना है, और ऊपर तक लेना है जितना मैक्सिमम अवेलेबल है ना। एटलीस्ट जरा सोचना इसके बारे में, एटलीस्ट 2 टॉफीज ले लो, तो मेरी इंस्ट्रक्शन कि कम से कम 2 टॉफी ले लो, तो मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया 2 तो उठाओ उठाओ, बाकी मैक्सिमम आपकी मर्जी है ना, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये इसका मतलब है, ये इसका सिंबल, और ऊपर तक जाते हैं एन तक जितनी टॉफीज हैं, 11 तो ले नहीं सकते ना क्योंकि 11 टॉफी तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए एन तक जाते हैं। आगे आता है एटमोस्ट, एटमोस्ट बोले मैक्सिमम बोले या नॉट मोर देन, सबका मतलब एक है, इसका साइन ये वाला होता है लेस देन एंड इक्वल, इसका मतलब जाते हैं जीरो तक, औकात तक, बिल्कुल जमीन पे लेट जाओ, ठीक है, जीरो बन जाओ। इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं, मान लो मैंने कहा आपके पास 10 टॉफीज हैं, मेरे पास हैं ये 10 टॉफीज हैं, चॉकलेट है कुछ भी बोल दो, और मैं आपसे बोल रहा हूं भाई एटमोस्ट 2 चॉकलेट उठाओ, इसका मतलब क्या है कि अधिक से अधिक मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 चॉकलेट उठाओ, तो कहने का मतलब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी भाई 2 उठानी है, 2 से ज्यादा नहीं उठानी, तो आप 2 उठा सकते हो, हो सकता है एक ही उठाओ तो भी आप मेरी बात मान रहे हो सकता है एक भी ना उठाओ तो भी आप मेरी बात मान रहे हो, तो यानी इस केसेस में आप मुझे ओबे कर रहे हो, मेरी बात मान रहे हो। तो एटमोस्ट में हम जाते हैं कहां तक, औकात तक, जीरो तक, खत्म, ठीक है, नील बटे सन्नाटा। तो ये बातें ध्यान रखनी है, अब न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट। ठीक है जी, न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने, इसने कहा है अ ग्रुप कंसिस्ट 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, तो ग्रुप हमारे पास है गर्ल्स 4 है और बॉयज कितने हैं 7, टोटल 11 पीपल्स आर देयर, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर, हमें टीम बनानी है यहां पर कितने मेंबर की, 5, 5 लोग हमें चाहिए गर्ल्स बॉयज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आगे देखते हैं, पहली कंडीशन बोलता है नो गर्ल, फर्स्ट कंडीशन बड़े ध्यान से देखी जाए, तो बोल रहा है 5 लोगों की टीम बनाओ लेकिन गर्ल नहीं चाहिए, इसका मतलब 5 बॉयज होने चाहिए टीम में, 5 बॉयज इन टीम। ठीक है, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है, तो भाई बॉयज हैं कितने 7, लेकिन हमें रिक्वायर्ड 5 है, तो 7 में से कोई से भी 5 बॉयज आ सकते हैं, सिलेक्शन अरेंजमेंट नहीं है। अगर आप इसे फॉर्मूले से खोलेंगे यू विल गेट 21 इज योर रिजल्ट, खोलना तो आता होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड पार्ट कहता है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट में ऊपर तक जाते हैं, इसका मतलब इसने कहा है एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 1 बॉय, ये कहा है इसने, यही कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। तो देखो 1 गर्ल एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो बॉय 4 हो जाएंगे, रीजन टोटल 5 लोग तो चाहिए, या तो ऐसा होगा देखो टीम बन के तैयार है, या फिर ऑप्शन आ गए तो प्लस आएगा 2 गर्ल, ऐसा क्यों, एटलीस्ट बोला है ना, तो जितना बोला है 1 गर्ल तो ऊपर तो जाएंगे ही हम, 2 गर्ल अगर हो गई तो 3 बॉयज लेने पड़ेंगे, देखो टीम कंप्लीट है 5 लोग हो गए, या तो ऐसा होगा केस कंप्लीट है, या फिर ऑप्शंस आ गई और 3 गर्ल्स हो गई तो 2 बॉयज हो जाएंगे, देखो अभी भी कितने हैं ये 5 है, टीम पूरी कंप्लीट है, या फिर 4 गर्ल्स तो 1 बॉय हो जाएगा, देखो अभी भी 5 है, और नहीं हो सकता
क्योंकि वन बॉय भी तो जरूरी है, इसने कहा है ना एटलीस्ट वन गर्ल एंड वन बॉय। यहां से अगर देखोगे तो गर्ल बढ़ती जा रही है, वन टू थ्री फोर, और वहां से अगर देखोगे तो बॉय बढ़ते जा रहे हैं, वन टू थ्री फोर। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की टीम के अंदर अवेलेबल है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो ऐसे करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसका मतलब है वन गर्ल, गर्ल है कितनी फोर, तो 4C1 into 7C4, ठीक है बॉयज, प्लस 2 गर्ल 4C2 into 7C3, प्लस 4C3 into 7C2, प्लस 4C4 into 7C1, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट 441, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको यहां बताता हूं, जगह नहीं बच रही तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है। ये कह रहा है एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, ओहो एटलीस्ट थ्री गर्ल्स मतलब कम से कम तीन लड़कियां। तो भाई एटलीस्ट का मतलब ऊपर तक जाऊंगा, तीन लड़कियां तो लेनी लेनी है, बाकी और भी ऊपर बढ़ाना है। तो अगर टीम के अंदर थ्री गर्ल्स आ गई तो बॉयज टू लेने पड़ेंगे, रीजन क्योंकि टीम के अंदर पांच लोग होना कंपलसरी है। या फिर ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये केस कंप्लीट है, अगर गर्ल्स फोर हो गई, अगर फोर गर्ल्स हो गई तो भाई बॉयज एक लेना पड़ेगा, देखो टीम कंप्लीट है। या फिर अगर गर्ल्स पांच हो गई, पांच हो ही नहीं सकती क्योंकि पांच गर्ल है ही नहीं, गर्ल केवल चार है, पांच होती तो पांच गर्ल्स ले लेते, बॉयज जीरो हो जाते, ठीक है। लेकिन गर्ल कितनी है चार, तो इतने ही केसेस बनेंगे। तो इसका मतलब है थ्री गर्ल्स, तो 4C3, टोटल गर्ल्स फोर है, कोई सी भी थ्री आ जाएंगी। टू ये आ जाएगा 7C2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4C4 ये आ जाएगा 7C1, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 91 एज योर रिजल्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का फंडा देखो आप कितना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बड़े ध्यान से देखें, एग्जाम में आता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मतलब 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, होता है ना क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन पार्ट टू इस तरह से, तो कॉम्बिनेशन, तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, पांच और सात। पार्ट वन के अंदर पांच क्वेश्चन है, इसके अंदर सेवन क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, 8 आर रिक्वायर्ड, कैसे करना है वो बता रहा है आगे। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, ये देखो बात इसने लिख दी, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो ये छोटी छोटी बात है ना, आप लिख लिया करो, इससे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भैया हर एक पार्ट से कम तीन क्वेश्चन लेने ही लेने हैं, ऐसा नहीं है कि वो 7 इससे ले ले और 1 इससे ले ले तो 8 हो जाएंगे, नहीं। इसने कहा तीन पार्ट तो कम से कम करने ही करने, किसी भी पार्ट से, यानी यहां से तीन लेने ही लेने हैं, यहां से तीन लेने ही लेने हैं, ठीक है, मिनिमम बता रहा है यहां पर। तो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो देखो बहुत ईजी है, तो टोटल वेज हम यहां पर निकालते हैं, आप यहां पर लिख देना टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चन, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चन, मैं लिख नहीं रहा हूं आपको लिखना है, लेकिन इसका मतलब है अगर पहले पार्ट में से इसने तीन लिए तो 5C3, तो अगले पार्ट में से वो पांच क्वेश्चन लेगा, देखो पांच और तीन 8 क्वेश्चन हो गए। या फिर ऐसा हो सकता है, देखो केस कंप्लीट है अपने आप में, है ना, ये तो ऑप्शंस आ रही हैं। अगर पहले पार्ट में से उसने 4 क्वेश्चन लिए, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या है, तीन बोला है तो ऊपर बढ़ना है, तो दूसरे पार्ट में से भी वो 4 लेगा, देखो 4 और 4 8 हो गए। या फिर ठीक है पहले पार्ट में से उसने पांचों क्वेश्चन ले लिए तो दूसरे पार्ट में से वो 3 क्वेश्चन लेगा, 5 और 3 8, और आगे केस बन नहीं सकते, रीजन क्योंकि दूसरे पार्ट में भी से भी तो 3 क्वेश्चन लेने ही पड़ेंगे, तो इतने ही केसेस बनेंगे, ठीक है, आप इसे ओपन कर लेना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, 420 का आंसर आएगा, आप इसे खुद ओपन करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे लिखा है बैग के अंदर 6 रेड है, 5 व्हाइट है, 4 ब्लैक बॉल्स है। तो मैंने बैग बना लिया, रेड व्हाइट ब्लैक मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल हमने यहां पर निकाली एट रैंडम, रैंडम मतलब विदाउट एनी प्लानिंग, बिना कुछ देखे 3 बॉल्स निकाल ली। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड करो, पहला ऑल आर रेड, भाई 3 बॉल निकाली तीनों रेड आ गई, ये कह रहा है ऑल आर रेड, तो रेड है कितनी 6, तो 6 में से तीनों के तीनों रेड, बस आंसर आ गया। ऐसे आप खोल देना, यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। आंसर शीट में जब आप लिखोगे तो आप ये डालोगे एडिंग और लिखोगे टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑल आर रेड बॉल्स,
तो आंसर 63। इस तरह से लिखना पड़ेगा टोटल वेज। अगला कह रहा है ऑल आर ऑफ सेम कलर, कह रहा है सारी की सारी सेम कलर की हैं। अब यहां ऑप्शंस बनेंगे, हो सकता है तीन बॉल निकाली तीनों रेड आ जाए, या फिर भाई ये तो केस अपने आप में कैसा है पूरा, या फिर तीन बॉल निकाली तीनों की तीनों व्हाइट आ जाए, या फिर तीन बॉल निकाली तीनों ब्लैक आ जाए। तो इसका मतलब है 6C3 + 5C3 + 4C3 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेड बॉल 6 है, कोई सी भी तीन आ सकती है, व्हाइट बॉल 5 है, कोई सी भी, इन तीनों में से कोई एक काम हुआ होगा, तीनों काम नहीं हुए। ठीक है, इसलिए प्लस है, ऑप्शंस हैं। अब कह रहा है नन इज रेड, कह रहा है कोई भी रेड नहीं है, तो कोई भी रेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रेड तो है ही नहीं, तो व्हाइट और ब्लैक में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी कितनी हो सकती है हमें कोई आइडिया नहीं है। तो व्हाइट और ब्लैक है कितनी टोटल 9, तो 9 में से कैसी भी करके तीन बॉल आ जाएंगी एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, रेड की बात नहीं होगी, तो इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, खोल देना आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है एग्जैक्टली वन इज रेड, कह रहा है एक रेड है बस, एग्जैक्टली वन इज रेड, तो रेड बॉल कितनी है भाई 6 में से एक रेड है, बाकी की दो बॉल हमें नहीं पता, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो कुल मिला के व्हाइट और ब्लैक कितनी है 9, तो 9 में से कोई सी भी दो हो सकती है। ठीक है, एनी अदर कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे आंसर आएगा। आगे बोल रहा है एग्जैक्टली वन एंड वन इज रेड एंड वन ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक तो है ही, तो यार तीन बॉल में एक रेड आ गई एक ब्लैक आ गई, तो ऑफकोर्स जो बचेगी वो तो व्हाइट ही आएगी, है ना, तीन ही बॉल तो है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 6C1 रेड हो गई, 5C1 व्हाइट हो गई, और ब्लैक भी फिर एक ही आएगी, ब्लैक कितनी है 4C1 ब्लैक हो गई, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है एटलीस्ट वन इज रेड, एटलीस्ट वन का है, और एटलीस्ट जब बोलता है तो जितना बोला है उससे ऊपर तक जाते हैं, तीन बॉल निकाल रहा है, इसका मतलब हो गया या तो एक रेड आएगा, ठीक है, या फिर दो रेड आएंगी, या फिर तीन रेड आएंगी, है ना। अगर एक बॉल रेड आएगी तो रेड कितनी है 6 में से एक, लेकिन बाकी दो बॉल भी तो आएंगी साथ में इसके, तो दो बॉल व्हाइट ब्लैक का कोई भी कॉम्बिनेशन, तो 9 में से कोई सी भी 2 करके, ये आंसर हो गया। अगर दो रेड आएंगी तो 6C2, है ना, लेकिन एक बॉल जो बचेगी वो भी तो आएगी क्योंकि तीन बॉल निकाल रहा है, तो एक बॉल हो सकता है व्हाइट हो ब्लैक हो कोई भी, तो 5-4 कितना 9 में से कोई सी भी एक आ सकती है, और अगर तीनों रेड आ गई तो भैया 6 की 6 में से कोई सी भी 3 आ सकती है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मस्त क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसे देख लेना। नया टॉपिक आ गया C+P, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, पी का मतलब परमुटेशन। एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉम्बिनेशन भी लगेगा और उसके अंदर परमुटेशन भी लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो एक वर्ड मैंने कहा फीस दे दो, ठीक है, मेरे मतलब का वर्ड देखो मैंने लिया यहां पर फीस दे दो, ऑल राइट। अब इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, अगर वॉवेल देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 फोर वॉवेल है, ईओ ये तो फोर हो गए वॉवेल्स, और कॉन्सोनेंट एफ एस डी डी चार हो गए इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे चार लेटर का वर्ड बना के दे दो, चार लेटर का वर्ड बना के दे दो, ये चार लेटर 1, 2, 3, 4 इसके अंदर चार लेटर भरने, इसके अंदर दो वॉवेल भरने और दो कॉन्सोनेंट, ठीक है, इतने ही भरने हैं बस। तो भाई वॉवेल तो मेरे पास चार हैं, तो चार में से कोई से भी दो वॉवेल में उठाऊंगा, कॉन्सोनेंट मेरे पास चार हैं, चार में से मैं कोई से भी दो कॉन्सोनेंट उठाऊंगा क्योंकि इसने कहा है ऐसा, ठीक है। उसके बाद जब ये आ जाएंगे उसके बाद फिर मैं वर्ड बनाऊंगा, यहां पर प्लेसमेंट होगी इनकी, कॉन्सोनेंट कैसे रखना है, वॉवेल, ठीक है। तो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, इतना पोर्शन तो सिलेक्शन का है भाई, पहले लेटर सेलेक्ट होंगे, ठीक है, इतना पोर्शन सिलेक्शन का है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। और जब लेटर हमारे हाथ में आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन हमारा अरेंजमेंट का है, ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब हो गया परमुटेशन। तो एक ही क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कैसे लगते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, ये मैंने फंडा समझाया आपको इसका। ये गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पहले इसने लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट, मतलब वर्ड बनाना है जिसके अंदर 2 वॉवेल रखने हैं और 3 कॉन्सोनेंट रखने हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो देखो एक वर्ड मुझे दिया हुआ है डॉटर, DAUGHTER, अगर मैं इसके वॉवल्स निकाल लूं तो AUE 3 है और कॉन्सोनेंट D, ठीक है, GHTER इतने हैं, 3 वॉवल्स हैं लेकिन मुझे 2 यूज करने हैं, मेरे पास 5 कॉन्सोनेंट हैं लेकिन मुझे 3 यूज करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो देखो इतना जो पोर्शन है ये सिलेक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मुझे ज्यादा में से कम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्शन। इसके बाद जब मेरे पास ये आ जाएंगे तो मेरे को पांच लेटर का वर्ड बनाना है, ये पांच लेटर का वर्ड, 1 2 3 4 5, ये मेरा अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, तो आपको यहां लिखना है टोटल, पहले यहां लिख देना फाइव लेटर वर्ड, फाइव लेटर वर्ड, ठीक है, ये लेटर है एली। तो टोटल वेज कितने तरीके हैं, बड़े ध्यान से जरा देखना। पहले कर लो आप सिलेक्शन, तीन में से कोई से भी दो वॉवेल आ जाओ, एंड क्योंकि वॉवेल आए कॉन्सोनेंट भी तो आएंगे, पांच में से कोई से भी तीन कॉन्सोनेंट आ जाओ, ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन। एंड अब अरेंजमेंट होगा, कितने लेटर का वर्ड बनाना है, पांच का, 1 2 3 4 5, तो जितने लेटर का बनाना है, पांच लेटर का बनाना है और पांच ही हमारे पास लेटर है, तो यहां आ जाता है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, आ गया समझ, अगर नहीं आया तो एक मौका अभी और आ रहा है, चिंता मत करो। क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ थ्री वॉवेल्स एंड टू कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड इनवॉल्यूट। वर्ड दिया हुआ है इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट इस तरह से वर्ड है, ठीक है, इनवॉल्यूट सही लिखा है ना, इनवॉल्यूट एल आई ए, बिल्कुल सही लिखा है। वॉवेल्स इसके अंदर देखा जाए तो आई ए, ओ ए, ई ए, यू ए, चार वॉवेल्स है, और कॉन्सोनेंट अगर देखा जाए तो एन ए, वी ए, एल ए और टी ए, ये भी आपके चार ही हो गए, ठीक है। वॉवेल लेकिन मेरे को तीन चाहिए, कॉन्सोनेंट मेरे को यहां पर कितने चाहिए, दो चाहिए। तो इतना जो पोर्शन है ना ये आपका सिलेक्शन का है, और वर्ड बनेगा पांच लेटर का, क्योंकि तीन और दो पांच है, ठीक है, तो वर्ड बन जाएगा पांच लेटर का, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ये पांच लेटर वर्ड बनाना है हमें। तो देखो यहां पे टोटल वेज ऐसे करके निकलेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं टोटल वेज, आपको लिखना है पूरा टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग फाइव लेटर वर्ड। तो पहले करो आप सिलेक्शन 4C3, ठीक है, चार में से कोई से भी तीन आ जाओ। इसके बाद यहां क्या आएगा, 4C2, चार में से कोई से भी दो आ जाओ, ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन। इसके बाद पांच लेटर हमारे हाथ में आ गए और पांच ही का ही वर्ड बनाना है, तो 5 फैक्टोरियल ये रहा, और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2880। आपका आंसर क्या आएगा, 2880। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस थे ये, ऑलराइट। ये क्वेश्चन कुछ आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आप इनको सॉल्व करना। ये कह रहा है फॉर्म वर्ड विद टू वॉवेल्स, यहाँ पे दो वॉवेल और तीन कॉन्सोनेंट, बी के माथुर का, यहाँ पर तीन वॉवेल यूज करने हैं, तीन कॉन्सोनेंट एजुकेशन में, यहाँ पे दो वॉवेल और तीन कॉन्सोनेंट आई वोकली में, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगा। देखिए गाइस मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंट परम्यूटेशन, इसके अंदर लिख ही दिया साफ साफ परम्यूटेशन, ऑल लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो वर्ड हमें दिया हुआ है यहाँ पर एग्जामिनेशन, ठीक है, बड़े आराम से देखना क्या पूछना चाह रहा है हमसे। एग्जामिनेशन हमें यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, लिस्टेड इन डिक्शनरी, हमने इसको डिक्शनरी के अंदर लिखा होगा। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, कह रहे ई से पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड आएंगे। ध्यान रखना जब भी डिक्शनरी की बात होगी तो ओरिजिनल डिक्शनरी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उस डिक्शनरी की जिसके अंदर इस ऐसे वर्ड होंगे, जिसके अंदर आई होगा, टी होगा, एम होगा, मतलब इनसे जो डिक्शनरी बनेगी उसकी बात हो रही है। तो ई से पहले कितने वर्ड होंगे, तो भाई अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से देखूं सबसे पहले कौन है, ए, उसके बाद बी होना चाहिए नहीं है, फिर सी होना चाहिए नहीं है, फिर डी होना चाहिए नहीं है, फिर ई होना चाहिए है, मतलब ई से पहले है ना। तो टोटल वर्ड्स विद टोटल वर्ड्स बिफोर ई, ई से पहले कितने वर्ड्स होंगे बिफोर ई, तो ई से पहले जो वर्ड स्टार्ट होगा वो तो ए से स्टार्ट होगा ना, है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 तो ये रहा। तो टोटल वर्ड्स देखो ऐसे बनेंगे, ए तो हो गया फिक्स, हमें भरनी है 10 जगह, तो यहां आएगा 10 फैक्टोरियल, अपॉन में आएगा रिपीटेड, कौन कौन है, ए देखो दो बार है लेकिन एक जा चुका है, फिक्स हो गया तो ए रिपीट नहीं माना जाएगा, और देखो आई, आई देखो दो बार है, एक ये रहा एक ये रहा, तो अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल, और देखो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एन, एन देखो दो बार है, एक ये रहा एन और एक ये रहा, यहां भी आएगा 2 फैक्टोरियल, और कोई है दो बार नहीं है, तो इसका मतलब इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड
फ्रॉम डिजिट 013579 विच आर डिविजिबल बाई 10 और नौ डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है जी, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखो छह डिजिट का नंबर बनाना है लाइक दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए 10 से। तो 10 से डिविजिबल होगा तो भाई यूनिट प्लेस पे तो जीरो चाहिए। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल जब होता है जब यूनिट प्लेस पे जीरो होता है। और डिजिट यूज होनी चाहिए 0 1 3 5 7 और 9। तो कह रहा है कितने नंबर बन जाएंगे और डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो देखो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 10 ऐसे लिखना आप। जीरो तो यहां हो गया फिक्स, तो जीरो तो यूज हो चुका है, इसका तो अब दोबारा यूज होने का नहीं है क्योंकि रिपीट नहीं करना है। बचे कितने 1 2 3 4 5 और यहां कितने 1 2 3 4 5 जितनी जगह उतने ही नंबर। तो 5P5 अरेंजमेंट है, नंबर बनाना है इसलिए परमोटेशन लगा है। ठीक है, नंबर बनाना है तो 5P5 का मतलब पांच जगह भरनी है, पांच ही नंबर है। तो सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 खोलने पर। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से हो गए। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल एंड 21 कॉन्सोनेंट। कोई नई बात तो है नहीं, ये सबको मालूम होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वॉवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 25। टोटल कितने हो गए 21, तो टोटल कितने हो गए 26 हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विद टू डिफरेंट वॉवल एंड टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। मतलब वॉवल में से हमें कोई से भी दो उठाने और यहां से हमें कोई से भी दो उठाने, तो वही आ गया। देखो ये क्या हो गया, सिलेक्शन। और वर्ड हमारा बनेगा कितने का, 4 लेटर का। वर्ड बनेगा कितने लेटर का, 4 लेटर का, क्योंकि चार चीज हमारे हाथ में आ चुकी है। ये हो गया अरेंजमेंट। तो बोल रहा है बताओ भाई कितने वर्ड्स बनेंगे, तो देखो ऐसे बनेंगे टोटल वर्ड्स। ठीक है, पहले करो आप सिलेक्शन, 5 में से कोई से भी 2 एंड 21 में से कोई से भी 2, ये तो हो गया सिलेक्शन। अब होगा अरेंजमेंट, टोटल हमारे हाथ में 4 आ गए तो 4 फैक्टोरियल खत्म। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल 4 आ गए, 4 में से 4 को यूज करना है, ऐसे ही बोल सकते हो। इसका आंसर भी तो 4 फैक्टोरियल ही आएगा क्योंकि 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0। ठीक है, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो एक ही बात है, तो इसलिए मैं ऐसे करके लिखता हूं। तो कंफ्यूज मत होना, हर तरीके से आपको बात पता होनी चाहिए। राइट गाइस, 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, 5 कार्ड वाला, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एस में इसके अंदर है किंग, तो आप खुद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women इन अ रो। मतलब एक लाइन के अंदर 5 men है और 4 women है, उनको बैठना है। सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे वुमेन बैठेगी। तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, समझ जाओ। तो मान लो पहले आप लगाओ यहां पे सीट नंबर 1 सीट नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो ये इवन नंबर है, 2 4 6 और 8 इवन नंबर पे इसने कहा है कौन बैठेगा, वुमेन। यहां बैठी वुमेन, यहां पर भी वुमेन, यहां पर भी वुमेन और यहां पर भी वुमेन। और जो ये ऑड नंबर है यहां पर बैठे हुए हैं मैन। ठीक है, लिख दूं, यहां मैन बैठा हुआ है, यहां पर भी मैन है, यहां पर भी मैन है, यहां पर भी मैन है और यहां पर भी मैन है, इस टाइप से है। ठीक है जी, तो कह रहा है कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, तो बड़ा इजी है, आराम से निकाल देंगे टोटल अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। इधर देखो बड़े ध्यान से, वुमेन की जगह कितनी है, कितनी सीट है, 1 2 3 4, 4 सीट है। और वुमेन है कितनी, वुमेन भी 4 है, तो 4 सीट है और 4 ही वुमेन है, तो 4P4। या तो ऐसे लिखो या लिख दो 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर भी 4 फैक्टोरियल ही आएगा। एंड अभी मैन भी बैठने, मैन की सीट है कितनी, 1 2 3 4 5, 5 सीट है और मैन है कितने, 5, तो यहां पे आएगा 5P5, 5 मैन है, 5 मतलब ये 5 सीट है, ये 5 सीट है और 5 ही मैन है। ऊपर वाली सीट होती है, ये वाले नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 4 में से 4 गया अपॉन 0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, नो नीड टू राइट। ऐसी इसका भी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 5 गया 0, नो नीड टू राइट। इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, अगर मान लो यहाँ सीट ज्यादा हो जाती, सपोज करो मैन की सीट 1 2 3 4 5 है और मैन सिर्फ 3 होते, तो यहां पे आता 5P3, इसका मतलब 5 सीटों में
तीन मैन को अरेंज करना है, पांच में से किसी भी तीन सीट पर बंदे बैठ सकते थे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और लूंगा मैं ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप, अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखो, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा आराम से देखना, समझना इसे। ये कह रहा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट। अच्छा जी, एक क्लास है उसके अंदर 25 स्टूडेंट है, ऑलराइट। 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। एक्सकर्शन पार्टी का मतलब समझते हो? बताओ एक्सकर्शन पार्टी का क्या मतलब होता होगा, सोचो। एक्सकर्शन पार्टी का मतलब होता है पिकनिक, जो स्कूल से पिकनिक जाती है बाहर। ठीक है, तो आप में से कई बच्चों को अभी पता लगा होगा एक्सकर्शन पार्टी का मतलब पिकनिक होता है, कोई बात नहीं। देर आर थ्री स्टूडेंट हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। मतलब इस 25 में से तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलेंगे या तो हम सारे ही जाएंगे तीनों के तीनों, या अगर तीनों में से कोई नहीं गया तो हम तीनों ही नहीं जाएंगे। ठीक है, आइदर दिस थ्री ऑल विल गो और ये थ्री जाएंगे ही नहीं। तो दो ऑप्शन है, होता है ना दोस्ती होती है कि भाई तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा वरना मैं भी नहीं जाऊंगा, वो वाला सीन है। ठीक है, तो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, कि एक्सकर्शन पार्टी में किस तरह से लोग जा सकते हैं। अब देखो यहां बड़ी आराम से सुनना, ठीक है। अगर ये तीनों लोग पार्टी में जाएंगे, तीनों लोग पार्टी में जाएंगे, तो ये तो तीन के तीनों लोग पार्टी में जा रहे हैं, यहां पर सिलेक्शन हो रहा है, ध्यान रखना यहां क्या हो रहा है, सिलेक्शन। तो तीनों लोग पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गए तीन, लेकिन पार्टी के अंदर 10 बंदों को जाना है, तो 25 हैं। 25 में से देखो मैं एक काम करता हूं, उसको इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 25 लोग तो है ही, 25 में से तीन का अलग केस है और 22 का अलग केस है। ये तीनों या तो तीनों जाएंगे यस, या ये तीनों जाएंगे, या ये तीनों जाएंगे, या ये तीनों नहीं जाएंगे। बाकी 7 लोगों का केस यहां पर है, ठीक है। अब जरा समझना, अगर ये तीनों लोग जाएंगे तो तीन में से तीन लोग सिलेक्ट हो गए, अभी हमें 7 लोग और लेने हैं क्योंकि 10 लोग जाने हैं, तो ये 7 लोग यहां से आएंगे 22 में से 7। देखो केस पूरा हो गया, 10 लोग एक्सकर्शन पार्टी के लिए तैयार हो गए, या तो ऐसा हुआ होगा, या फिर अगर ये तीनों जाएंगे ही नहीं, तो जब ये तीनों जाएंगे ही नहीं तो इनकी बात करेंगे ही नहीं हम यहां पर, इसका मतलब 22 में से कोई से भी 10 बंदे टीचर ले जाएगा एक्सकर्शन पार्टी में। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट। ये समझ आया, एक बार और समझ लो, इसका मतलब है तीनों दोस्त पार्टी में जा रहे हैं तो तीनों का सिलेक्शन हो गया, तीन थे तीनों का सिलेक्शन, लेकिन पार्टी में जाने 10 बंदे तो 7 बंदे और चाहिए, तो 22 में से 7 और ले लिए जाएंगे, 10 बंदे कंप्लीट हो गए। या तो ऐसा होगा, या फिर ये तीनों नहीं जाएंगे, अरे जब तीनों जाएंगे ही नहीं तो इनकी बात होगी ही नहीं, इसका मतलब तीन को छोड़ दो और 22 में से कोई से भी 10 बंदे टीचर पार्टी के अंदर ले जाएगा। इसे सॉल्व कर देना यू विल गेट योर रिजल्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखना समझना, और जब एग्जाम में सॉल्व करो तो थोड़ी थ्योरी भी वहां पर लिख देना, ठीक है। एक्सप्लेन गाइस, तीन क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, हिंट दूंगा। पहला बोलता है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टूगेदर। मतलब 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकते, तो जरा पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। मान लो यहाँ पर ये स्पेस है, सपोज करो, ठीक है, यहाँ बैठी है गर्ल, ये स्पेस है यहाँ बैठी है गर्ल, ये स्पेस है यहाँ बैठी है गर्ल, ये स्पेस यहाँ गर्ल, ये स्पेस यहाँ गर्ल, गर्ल कितनी है 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये स्पेस है, ठीक है। इस तरह से एक रो बन के तैयार हो गई, तो टोटल वेज निकाल लेते हैं, अरेंजमेंट है यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल वेज 1, 2, 3, 4, 5, 5, ये भी सीट है एक, ये भी एक सीट है, ठीक है। 5 जगह ऐसी है जहां गर्ल्स बैठ सकती हैं, ठीक है। और देखो 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल्स है, बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकते, कहीं पर भी बॉयज बैठेंगे एक साथ कभी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सीट का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया हुआ है। तो टोटल वेज 5 गर्ल्स, 5 जगह है गर्ल्स की, और गर्ल्स है कितनी 5, तो 5 में से 5 अरेंज हो गई, अरेंजमेंट है इसलिए पी लगा है। एंड बॉयज की देखो जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जगहें बॉयज की, लेकिन बॉयज है कितने 5, तो 6P5, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, तो आगे समझ में। तो ज्यादा और ये क्या है कम, ये नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है और ये नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने एक और बताया है, तो ध्यान रखना ये अरेंजमेंट हमने ऐसे की है ताकि 2 बॉयज एक साथ ना बैठे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोटल वर्ड बताओ जब सारे एस एक साथ आ जाएं, तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं, एस है कितने देखो 4 एस है, तो 4 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, इनटू कितना बचा हुआ है 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन मैं लूंगा एक एक्स्ट्रा 10, मालूम है ना, ऐसे क्वेश्चन परमुटेशन वाली वीडियो में थे, तो जितना बचता है एक एक्स्ट्रा, अपॉन में रिपीटेड, चार एस है तो यहाँ पे चार आएगा, 10 के अपॉन में रिपीटेड, देखो 1, 2, 3, 3 तो ए हो गया, ठीक है, एन देखो यहाँ पे एन, 1 और 2, 2 बार एन हो गया, और देखो कोई आई, 1 और 2, 2 बार आई हो गया, और कोई आ रहा है वर्ड, बस रिपीट हो गया खत्म, बस यही है, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, बाकी आप देख लेना। और अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन दिस, ओ तेरी बहुत बड़ा नंबर है भाई, 60 है, इससे बड़ा ग्रेटर देन दिस कैन बी फॉर्म्ड विद ये हमें करना है यूज, और इसकी हेल्प से हमें ये नंबर बनाना है, इसका आंसर ये आएगा। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है, नंबर कितने डिजिट का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट का नंबर हमारा बनना है लाइक दिस, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट का नंबर बनना है और इससे बड़ा बनना है, तो इससे बड़ा नंबर तो जब बनेगा जब यहां पर 1, यहां पर या तो हो 1 या 1 से बड़ा हो, 1 हो सकता है, क्योंकि देखो ये तो सारे 0-0 है, तो यहां पे तो 0-0 नहीं आएगा, ओके। और इसने एक बात शायद और भी लिखी हुई है, कैन बी फॉर्म, इसने कुछ लिखा नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जब कुछ ना लिखा हो तो हम उसी तरीके को अपनाते हैं जिस तरीके से वर्ड बनाते हैं, तो ध्यान से जरा देखना मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने वाला हूं। जगह मेरे पास है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और नंबर भी देखो मेरे पास 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां आएगा टोटल नंबर अवेलेबल, जैसे मैं वर्ड बनाता हूं वैसे ही मैं नंबर बना रहा हूं, अपॉन में आएगा रिपीटेड, 2, 1, 2, 3 बार है, तो 3 factorial आ गया क्योंकि 2 यहां पे 3 बार रिपीट कर रहा है, ये रिपीट 1 है, और देखो कोई है रिपीट इसके अंदर, 4, 4 यहां पे 2 बार है ये, ठीक है। अब जरा देखना मैं क्या करने वाला हूं, माइनस इसमें से कर रहा हूं मैं 6 factorial, अपॉन में 3 और ये 2, अब बताओ ये माइनस क्यों किया, ये माइनस इसलिए किया क्योंकि बहुत से बच्चों ने ऐसे देखो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट से सारे नंबर वो आएंगे जो इनको इसमें भरने से आएंगे, तो बहुत से बच्चों ने गलती से 0 यहां पर भी भर दिया होगा, तो जब 0 स्टार्टिंग में भरा होगा तो वो नंबर 7 डिजिट का थोड़ी रह गया, फिर तो वो 6 डिजिट का हो गया, वो नंबर तो इससे छोटा हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर ये 6 वाला केस माइनस हुआ है, इसका मतलब सारे 7 डिजिट के नंबर इनको यूज करके और माइनस 6 डिजिट के नंबर, तो एक्चुअल में 7 डिजिट के नंबर आ जाएंगे 360, तो ये आपको खुद करना है, ऑलराइट। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर थे जी। लास्ट क्वेश्चन, कमेटी बनानी है 7 लोगों की आउट ऑफ 9 बॉयज और 4 गर्ल्स, तो पर्सन कितने हैं, बॉयज 9 है, गर्ल्स 3 है, इसमें से हमें 7 लोग लेने हैं कमेटी बनाने के लिए, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ कमेटी कंसिस्ट एटमोस्ट आ गया भाई, एटमोस्ट का मतलब 0 तक जाना है औकात तक, उसमें 3 गर्ल्स होने चाहिए, एटमोस्ट का मतलब या तो 3 गर्ल्स हो या 2 गर्ल्स हो या 1 गर्ल हो या 0 गर्ल हो, तो टोटल वेज निकालने हैं, सिलेक्शन हो रहा है यहां पर, ध्यान रखना अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो भाई या तो 3 गर्ल्स होंगी तो फिर 5 बॉयज होंगे क्योंकि देखो 7 बंदे नहीं सॉरी कितने बॉयज होंगे 4 होंगे बॉयज क्योंकि 7 बंदे हमें चाहिए, या फिर 2 गर्ल्स होंगी तो फिर 5 बॉयज होंगे, देखो 7 बंदे हो गए, या फिर 1 गर्ल होगी, ठीक है, प्लस है बीच में नहीं एंड है बीच में, तो फिर 6 बॉयज हो गए, या फिर 0 गर्ल होगी, 0 गर्ल होगी तो 7 के 7 बॉयज हो जाएंगे, एटमोस्ट में 0 तक जाते हैं। अब इसके बाद आपको ये आता है ना 3 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 3 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, 4 है, तो 4C3 और ये 9C4 हो जाएगा, इस तरह से प्लस होता जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, तो खुद ट्राई करना। तो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट थे, तो गाइस जितने भी क्वेश्चन इस वीडियोस के अंदर हैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।